आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में अत्यंत सुखद दिन है, जिनका सफल उपचार कोरोना का विश्वविद्यालय अस्पताल में हो चुका था और डिस्चार्ज होने के बाद 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बिताने के बाद उनके प्लाज्मा का डोनेशन लिया जा रहा है। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा डोनेशन में 400 से 500 ml प्लाज्मा लिया जाता है किसी स्वस्थ व्यक्ति से। ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, जो सॉलिड कंपोनेंट ब्लड का होता है वो प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के द्वारा फिल्टर करके पुनः उस स्वस्थ व्यक्ति डोनर के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अतः डोनर को किसी तरीके का स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि नहीं होती है। और साथ में जो 400 से 500 ml लिक्विड पार्ट ब्लड का लिया जाता है, उसकी भरपाई के लिए भी एल्बुमिन का इन्फ्यूजन या आईवी फ्लूइड के द्वारा उसकी भी भरपाई कर दी जाती है। तो डोनर को किसी तरीके की हानि नहीं होती है, जबकि कोविड-19 जैसी बीमारी में यह कार्य किसी के जीवन को बचाने में भी मदद कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, प्लाज्मा डोनेशन जीवन दान के बराबर है। तो ये जैसे कहते हैं हम लोग रक्तदान महादान, वैसे प्लाज्मा दान जीवन दान। इस दृष्टि से मिस्टर कैफ आदमी जी द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, इनको हम धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। आज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में KGMU में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर MLB भट्ट की गाइडेंस में हम लोग अपना ये 6th प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं, जो मिस्टर कैफ हैं। एंड आई थिंक सो ही इज केवल 21 साल के हैं, लेकिन इनका जज्बा इतना ज़्यादा है कि इन्होंने ये प्रण लिया क्या है कि जो भी लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और ठीक नहीं हो पा रहेंगे, उनको ये अपना प्लाज्मा देकर उनकी मदद करेंगे। और इनका प्लाज्मा प्रेशियस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं जिसमें कोरोना के वायरस से लड़ने की शक्ति और क्षमता है। जो इन्होंने प्रण लिया है कि ऐसे मरीजों की मदद करेंगे जो शायद इनके जैसे थे लकी नहीं है, और ये बहुत ही पुनीत कर्म है, क्योंकि जो दूसरे की पीड़ा समझता है और दूसरे की मदद करता है, उससे बड़ा और श्रेष्ठ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो आज ये प्लाज्मा फेरेसिस डोनेशन कर रहे हैं, और इस आशा में कि शायद इनकी प्लाज्मा किसी कोविड पॉजिटिव मरीज जो ठीक नहीं हो रहा है उसकी जान बचा देंगे। तो इस तरह के डोनेशन के इससे और भी स्वस्थ होने हुए लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें भी अपना प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। और जो स्वस्थ होंगे, जो जिनसे लेना उचित होगा, हम उन्हीं से प्लाज्मा डोनेशन में लेंगे। तो ये आप सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने इस तरह के कार्य करके, और इससे किसी एक गंभीर रूप से बीमार कोरोना के मरीज की जान भी बच सकती है, जिस पे विश्वविद्यालय ICMR के तत्वावधान में आगे कार्य कर रहा है। और आप लोग भी इसमें आगे बढ़ करके डोनेट करने के लिए आएं, क्योंकि प्लाज्मा जो डोनेट कर रहे हैं वो प्लाज्मा नहीं है, किसी की जीवन की रक्षा कर सकता है। इसलिए जैसा कहा जाता है रक्तदान महादान, वैसे ही प्लाज्मा दान जीवन दान, खास तौर से कोविड-19 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।